जय हिंद दोस्तों। भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक और वैकेंसी निकली हुई है, एएमडी में वैकेंसी निकली हुई है और ये वैकेंसी जूनियर ट्रांसलेटर, इसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसमें जेसीओ और एनसीओ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी निकली हुई है और बता दें परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ऑल इंडिया के एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो फीस लगेगी, एक्स सर्विसमैन और SC/ST के लिए एग्जेम्प्टेड है, एक्स सर्विसमैन को नहीं लगेगी, SC/ST को नहीं लगेगी और बता दें डिसेबल एक्स सर्विसमैन को भी नहीं लगेगी, वुमेन को नहीं लगेगी। सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखाते हैं। नोटिफिकेशन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो हिंदी वाला भी दिखाएंगे। बता दें हिंदी में, मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में ऑल इंडिया जिसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इंग्लिश कोई किसी स्टेट में हिंदी नहीं इतना जानते हैं तो वो इंग्लिश में समझ लेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये जो जॉब निकली हुई है भारत सरकार की है, परमाणु ऊर्जा विभाग AMD डिपार्टमेंट की है। बता दें ये वैकेंसी ऑल इंडिया के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे 29/10/2022 से 17/11/2022 तक भरे जाएंगे, यानी कि 17/11/2022 से पहले पहले अप्लाई कर लें। फिजिकल टेस्ट सबसे पहले तो इसमें फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद रिटन टेस्ट होगा। तो फिजिकल टेस्ट जो होगा सिक्योरिटी गार्ड और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का दिसंबर 2022 में होगा, इसके बाद रिटन एग्जाम जो होगा वो जनवरी 2023 में होगा। सिक्योरिटी ऑफिसर हो या सिक्योरिटी गार्ड की हो, दोनों का जो रिटन एग्जाम होगा जनवरी 2023 में होगा। और इसके बाद JTO और ASO सिक्योरिटी ऑफिसर का जो एग्जाम होगा उसका फरवरी में होगा, यानी कि तीनों के अलग अलग एग्जाम होंगे, लेकिन जो फिजिकल टेस्ट होगा वो दिसंबर में होगा तीनों का। अभी बता देते हैं, इसके सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन भी ऑल ओवर इंडिया के अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जूनियर, सबसे पहले पोस्ट का नाम देख लेते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर JTO की वैकेंसी में 35,000 बेसिक सैलरी है, प्लस DA और अदर अलाउंस मिलेंगे, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है और सैलरी भी काफी अच्छी है। इसकी केवल 9 वैकेंसी है JTO की, बाकी सिक्योरिटी ऑफिसर की देख लेते हैं। इसमें बता दें कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के लिए और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए केवल 10th पास भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं उस वैकेंसी को दिखा देता हूँ जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की है, जिसमें JCO और NCO यानी कि नायक से कम नहीं होना चाहिए जो भी अप्लाई कर रहा है। इसमें 35,400 रुपए सैलरी मिलेगी बेसिक, प्लस DA और अदर अलाउंस, 6 पे कमीशन, 6 पे लेवल 6 के अनुसार मिलेगा, 7 पे कमीशन के अनुसार। इसमें नॉन गेस्टेड पोस्टें हैं, तो टोटल 38 पोस्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर की, जिसमें एक्स सर्विसमैन की एक पोस्ट रिजर्व रखी गई है मात्र इसमें, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड में काफी वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो बता दें मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्स सर्विसमैन की ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, लेकिन सेना की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी इसमें वैलिड है, इक्वावेलेंट, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं भूतपूर्व सैनिक। 18 से 27 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो मैं आगे बताऊंगा कितना एज रिलैक्सेशन है। 3 ईयर्स प्लस डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, और ये चीज ध्यान रखें डिस्चार्ज सेना से हुए हों, 3 साल के बीच में ही आपको अप्लाई करना है, इसमें ध्यान रखें। इसके बाद फिजिकल टेस्ट भी होगा। फिजिकल टेस्ट के लिए इसमें दिया हुआ है, पहले तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, 167 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जो कि हर एक एक्स सर्विसमैन की होती है ज्यादातर, बाकी हाइट में भी रिलैक्सेशन है, SC/ST को अलग है, उसमें देख सकते हैं। फीमेल के लिए जो पहले तो चेस्ट इसमें 80 सेंटीमीटर प्लस फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपेंडेड 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिजिकल इवेंट होंगे तो 1.6 किलोमीटर रन होगा 6 मिनट 30 सेकंड में, लॉन्ग जंप होगी 3.65 मीटर, 3 चांस मिलेंगे। चिनअप होगा इसमें, एज वाइज चिनअप दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, पुशअप होगा इसमें और सिटअप होगा। जो सिक्योरिटी ऑफिसर है इनमें ये चार इवेंट होंगे, चारों इवेंट क्वालिफाई होंगे तभी आपको रिटर्न में बुलाया जाएगा, यानी कि पहले आपका फिजिकल होगा, फिर इसके बाद आप फिजिकल में क्वालिफाई हो जाएंगे तभी रिटर्न के लिए 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। फिजिकल इवेंट दे दिया है, वुमेन के लिए भी दिया हुआ है, रिटर्न में
जो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए बता दें कि रिटर्न 75 मार्क का होगा, 90 मिनट टाइम दिया जाएगा, कंप्रेहेंसिव मार्क 25 होंगे, इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग का 25 मार्क होंगे और बेसिक मैथ, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस के 25 मार्क होंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इसमें बता दें कि ये ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, केवल फिजिकल में आपको क्वालिफाई मार्क देखा जाएगा। अभी सिक्योरिटी गार्ड की देख लेते हैं, काफी वैकेंसियां हैं। 18,000 बेसिक रहेगा, प्लस डीए और अदर अलाउंस रहेंगे, यानी कि बेसिक आपका 18,000 से शुरू होगा। और ये जो वैकेंसी है, एससी के लिए 20 वैकेंसियां हैं, एसटी के लिए 28 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 46 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व के लिए 162 वैकेंसियां हैं, और टोटल अगर वैकेंसी सिक्योरिटी गार्ड की देखी जाए 274 वैकेंसी है, जिसमें कि एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है 29 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है टोटल पोस्ट में। इसमें 10th पास होना चाहिए, आर्मी से हो, एयरफोर्स से हो, नेवी से हो, एक्स पुलिस और एक्स पैरामिलिट्री फोर्स भी पर्सनल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एक्स सर्विसमैन में कोटा नहीं मिलेगा, उनको अलग कोटा रहेगा, जो इस कैटेगरी में है वो उस कैटेगरी में। ध्यान रखें एस सी एस टी ओबीसी सबकी कैटेगरी में पुलिस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 18 से 27 साल एज मांगी गई है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार से, वो मैं आगे बताऊंगा। इसमें देख लेते हैं 3 साल से पहले पहले रिटायर हुए हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3 साल का आपको टाइम है, डिस्चार्ज बुक में आपको लिखा हुआ होगा कि कब रिटायर हुए हैं, उस आधार पर आपका माना जाएगा। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, यानी कि 167 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जो कि ज्यादातर एक सर्विसमैन की होती है। सीने का फुलाव 80 से 85 होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव होना चाहिए। फिजिकल इवेंट में होगा 100 मीटर रन होगी 16 सेकंड में, जो कि एक सर्विसमैन है और सभी के लिए है, 16 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर होगी लॉन्ग जंप। इसके बाद चिनअप 8 से 9 चिनअप बिलो 30 और एबो 30 से 5 से 6 चिनअप, यानी 5 चिनअप भी आपको कर सकते हैं, तभी आपका सिलेक्शन इसमें होगा। यानी सिटअप पुशअप भी होंगे, सिटअप पुशअप में कोई इतना दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। फीमेल के लिए भी रनिंग 20 सेकंड में आपको 100 मीटर दौड़ना है, बाकी फीमेल का स्टैंडर्ड अलग थोड़ा कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। रिटन टेस्ट पहले तो फिजिकल होगा, इसके बाद रिटन होगा, 75 मार्क का होगा, 90 मिनट टाइम दिया जाएगा, कंप्रेहेंसिव 25 मार्क का होगा, जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप के 25 मार्क के, और बेसिक मैथ भी 25 मार्क की होगी। तो ये टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के आधार पर ही सिलेक्शन होगा, लेकिन फिजिकल टेस्ट में पास होंगे तभी आपको रिटन में बुलाया जाएगा। अभी बता देते हैं कि जो भी एक्स सर्विसमैन इसमें अप्लाई करेंगे उनको कोई भी फीस नहीं देनी है, बाकी जो फीस लग रही है जनरल लोगों के लिए 200 रुपये सभी के, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भी 200 है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 है, लेकिन भूतपूर्व सैनिक एस सी एस टी को नहीं देनी है। 17/11/2022 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई करने का भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बता दें कि एक्स सर्विसमैन एस सी एस टी फिजिकल जो डिसेबल है उनको भी नहीं फीस देनी है, और जो फार्म अप्लाई होगा आज से फार्म शुरू हो गए हैं, इसका एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा कैसे अप्लाई करेंगे। अभी इसमें बता देते हैं एज क्या चाहिए, कई एक्स सर्विसमैन एज के लिए बोलते हैं, तो इसमें दिया हुआ है डिफेंस प्लस 3 ईयर्स डिफेंस सर्विस जो की है, और 3 साल की एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन बता दें कि सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 52 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब मैं फॉर्म भर रहा था तो उसमें मैंने देखा कि जेसीओ हैं जो 52 ईयर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, ओआर 48 ईयर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इतना ध्यान रखें सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर रहे हैं तो ये कंडीशन है उनके लिए। इसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कैसे अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद।